तो जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ आदित्यपुर के ईएसआई हॉस्पिटल में। ये ईएसआई हॉस्पिटल इस क्षेत्र का, सरायकेला क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल है। ईएसआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। चूँकि ये जो क्षेत्र है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये जीआरडा के अंतर्गत आता है और यहाँ करीब करीब नहीं भी तो 1600 से 2000 के आसपास बड़ी कंपनियां हैं और छोटी छोटी आनुषंगिक आई कम से कम हज़ारों में होंगी। तो कम से कम देखा जाए तो कम से कम 3000 के आसपास यहां पर छोटी बड़ी मिला करके हॉस्पिटल कंपनियां हैं। लघु उद्योग यहां चालित हैं, यहां मजदूर हैं, ये मज़दूरों का ही पूरा क्षेत्र है। लेकिन आज ये ईएसआई हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी जो है, मैं कहूँगा कि एक मानवता के लिए सही काम नहीं हो रहा है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई थी आयुष्मान भारत योजना, उसको अब यहाँ पर जो है एक तरह से उसको परिनिर्मित नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ में आज जो है जेबीकेसेस जेएलकेएम के कुछ लोग हैं और हमारे साथ में मरीज के परिजन भी हैं, जिसके साथ में आज जो घटना हुई है उसको लेकर के मैं ईएसआई हॉस्पिटल आया हूँ। ईएसआई हॉस्पिटल, आज आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र महतो। जितेंद्र जी, आज जो घटना हुई आप लोगों के साथ में, क्या घटना क्या है? हम लोग को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे, जो विजय महतो जी हैं उनका पिताजी हैं, हम लोग उनका रिलेशन वाले हैं। तो उसको डॉक्टर लोग बोला कि यहाँ वो क्या किसी कंपनी में मजदूर है? किस कंपनी? हाँ, अच्छा जी, किस भी पीएफएसआई करता है। तो बोला पीएफएसआई यहाँ इलाज कराने आए थे एसआई हॉस्पिटल यहाँ आसियाना के यहाँ पे। तो डॉक्टर लोग बोला कि यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता, बोला कि ये रेफर कर दिया एमजीएम। अच्छा, तो उनको क्या बीमारी, क्या किडनी में प्रॉब्लम है? तो किडनी में प्रॉब्लम, इतनी बड़ी बीमारी जो है वो एमजीएम अस्पताल में, शायद ही मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर इलाज संभव है। किसी बड़े हॉस्पिटल में जैसे जमशेदपुर के ब्रह्मानंद हो, मेडिसिना हो या लाइफ लाइन हो, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल से वहाँ भेजना चाहिए था जहाँ पर समुचित इलाज हो सके। आपको क्या कहना है आपका? विजय महतो जी बोला कि मेरा पिताजी को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कर दीजिए। तो डॉक्टर लोग बोला कि नहीं, वो सब नियम अभी हटा दिया है सरकार द्वारा, अभी बोला कि सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज होगा। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज किया जाता था प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो हटा दिया गया। ये डॉक्टर का, एसआई के डॉक्टर का कहना है, एसआई के डॉक्टर का कहना है कि जो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, अभी वो सब नहीं होगा, अभी सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा। अच्छा, तो अभी आपको मरीज को कहाँ लेके गया? एमजीएम लेके? एमजीएम रेफर कर दिया। हमारे साथ में अध्यक्ष हैं प्रदीप जी। ये तो घटना जो आज इनसे, भाई साहब से सुना गया, ये तो बहुत बड़ी घटना है कि ये साइज जो है अगर प्राइवेट में इलाज नहीं कराएगी यहाँ के मजदूरों का, और खास करके किडनी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। आज देखिए, यदि मजदूरों के साथ इस तरह का हुआ तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा क्यों काट रहा है एसआई? जो काट रहा क्यों काट रहा? उसको फैसिलिटी अवेलेबल कराना चाहिए। या तो नहीं हो रहा तो आप लिख के दे दीजिए कि वहाँ से करा लीजिए, इसका बिल हम दे देंगे। वो भी एग्री नहीं है। हम बात करने गए थे लेकिन बोलना चाह रहा है कि नहीं, हम लोग का अवेलेबल नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल खाली भेजने का ऑर्डर है केंद्र से। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो कि हमारे मजदूर भाई बहुत क्या बोलेंगे, खट खट के जो पैसा वहाँ से काट काट के जो जाता है, ये लोग का भविष्य के लिए जो सही इलाज हो पाए परिवार के लिए। तो देखिए, आज ये लोग का परिवार का आज सही इलाज नहीं हो रहा, आज धोरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही गड़बड़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी इंसान ले जा सकता है। तो ईएसआई के तहत जो इन लोगों का पैसा हर महीने कटता है, उसके बाद जो है आयुष्मान भारत के तहत, अभी मुख्य जो राज्य झारखंड राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, उसके तहत भी इलाज हो सकता है, उसके तहत भी इलाज हो सकता है, लेकिन नहीं देने। सब अभी बंद हो चुका है, सब बंद हो चुका है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत जल्द हम लोग एक बैठक करके सारा मजदूर के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग देंगे और डीसी को भी हम लोग लिख के देंगे अभी। तो आगे आने वाले दिनों में आप लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आप देखिए ना, ये न्यू बिल्डिंग बनते जा रहा, वहाँ भी देखिए आपका 2013 या 12 में बिल्डिंग बना था, न्यू बिल्डिंग बनाते जा रहा, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है। आज जरा आईसू का अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। यदि किडनी का प्रॉब्लम था उनका, तो बोलता है नहीं, हम लोग पास आईसू नहीं है, हम लोग नहीं रख सकते, कल 8 बजे इसको वापस कर दिएगा। वो भी एक ही आपका 40-50 किलोमीटर। तो यहाँ तो आईसीयू भवन सब कुछ बनाया गया? नहीं बनाया गया, बोलता है आईसीयू अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं, मशीन नहीं है अवेलेबल बोलता है। देखिए, 30-40 किलोमीटर दूर से आया था, वो वापस गया कल रात को।
घर रात में वापस गया, फिर आज सुबह आज फिर सुबह का आया, और जब आया तो बोलता है नहीं रेफर कर दिया गया उसको MGM के लिए। तो MGM तो कोई भी साधारण आदमी ले जा सकता है। हम बोले लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप इसका बाहर से करा रहे हैं, आप अपना उसका बिल माफ कीजिएगा। लेकिन नहीं, वो अग्री नहीं, पहले होता था, बंद कर दिया गया। इसके लिए हम लोग उग्रा आंदोलन करेंगे बहुत ही जल्द। तो बताइए, MGM में तो प्रत्येक दिन हमने अखबारों में सुनते हैं कि जो प्रसव पीड़ा रहती है, प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं, उनको वो जमीन पर उनके बच्चे मर जा रहे हैं, महिला मर जा रही हैं। लेकिन इतने जो मेजर प्रॉब्लम, इतने जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम, उसको जो है MGM काटा जाता है, पैसा काटा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है, जो उन लोगों को आज आयुष्मान भारत के तहत सुविधा नहीं मिल रही है, जो कि बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। और मैं तमाम जो अधिकारी है, तमाम जो यहाँ के ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर, DC साहब, SDO साहब, या तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय को मैं कहूँगा कि इस पर बहुत ही गहन चिंतन करें और इस पर कुछ कार्रवाई करें। हमारे साथ में एक यही कि आपको, आपका संजीव शर्मा नाम है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या करते हैं? मैं एक कंपनी में कार्यरत हूँ, ठीक है, DLC नाम की कंपनी है जी। मैं VIP हूँ और यहाँ बहुत सारी छोटी बड़ी खामियाँ हैं, जिसको यहाँ मतलब कहाँ ESI के हॉस्पिटल में, आदित्यपुर में बहुत छोटी बड़ी खामियाँ हैं, और बहुत सारी खामियों की वजह से यहाँ लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक ओपन फॉर्म में, मेरे हिसाब से एक ओपन फॉर्म में एक बैठक होनी चाहिए, जिसमें मजदूर भी आए, यहाँ के ESI के प्रबंधक भी आए और वहाँ पर बात सुने कि छोटी छोटी मांगा जाता है। क्यों भाई, मैं मरीज है, वो जेरोक्स के लिए कहाँ कहाँ जाएंगी करने के लिए? नॉट पॉसिबल। आप वहाँ जाके देख लीजिए, सेड है, नहीं है, मरीज वहाँ धूप में खड़े हैं, लाइन लगाए हुए हैं, क्या प्रबंधन है यहाँ की व्यवस्था को? वही JBKC से JLKM के लोग आए हैं, लोग नेता लोग हैं, बिल्कुल अध्यक्ष है, तो ये आए हैं उसी के खिलाफ प्रबंधन करने वाले को सुननी चाहिए बात। एक ओपन फॉर्म में बैठक होनी चाहिए, कहीं सेमिनार हो, लोग अपनी बात रखें ताकि प्रबंधन सुने, और ना हो तो फिर तो आगे की कार्रवाई जो भी है किया जा सकता है। धन्यवाद। चलो, धन्यवाद आपका। तो आगे आने वाले दिनों में JBKC JLKM के जो नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन करेंगे। जय झारखंड, जय झारखंड। ऑफ करो।